काफी इंतजार किया इस सामान का हम लोगों ने। और हम चारों बैठ के हर रात यहाँ पे डिनर किया करेंगे। वो सोचेंगे कि इसी टाइम जितना पैसा निकाल सकते हैं निकाल लेते। 400 रुपए कोई अमाउंट नहीं है। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। अभी दोपहर का लगभग 1 बज रहा है ना, क्या टाइम हो रहा है वो टाइम देख रहा हूँ, 12:20 हो रहा है। अभी जो टेबल कुर्सी हम लोगों ने लिया था कल रात में जाके, वो टेबल कुर्सी काफ़ी इंतज़ार के बाद आ चुका है। ये लड़की यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार कर रही। आ गया ना, चलो भाई आ गया यार। काफ़ी इंतज़ार करवाया भैया ने। जो आगे आगे आ रहे वो इंजीनियर साहब तो नहीं है? नहीं ये तो कोई और है। इंजीनियर ही है। अभी क्या अभी करेंगे। आइए वाह। जानते हैं भाई इनका मुस्कान देख के ही समझ आ गया था। चलो खोल दरवाजा, खोल इसको, बंद करो इसको, खोलो। हाँ इसको बंद कर दे पहले। हाँ चलो आ जाइए। चलो भैया सब्सक्राइबर निकल गया, अच्छी बात है। दूसरा वाला भी कस देंगे, दूसरा वाला अलमीरा फ्री में नहीं पैसा दे देंगे, वैसी कोई बात नहीं है। आइए आ जाइए, चलिए चलिए आगे बढ़िए, आगे आइए। हाँ पकड़ मुझे लटकना है। आगे। चलिए। वाह वो भैया कह रहे हैं वीडियो बन गया तुम्हारा। अरे भाई सामान आ गया भाई, काफी इंतजार किया इस सामान का हम लोगों ने। ये तुम्हारा है क्या भैया? इंतजार सामान का इंतजार किए हैं? सामान तो आगे कर का, इंतजार का करना है। अरे भैया बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे ना हम लोग। नहीं है ना भैया कभी देखा ही नहीं है कुर्सी कैसा होता है। वो बात नहीं बोल रहे हैं, देखने का बात नहीं। ना भैया सच में ले लिए हैं तो आगे करेगा, आधा घंटा पहले चाहे आधा घंटा बाद में। भैया आप लोड होते हुए देखे हैं सामान है? लोड आपके सामने मिस्त्री आए हैं, सब नया वाला माल है ना? वही वाला नहीं है ना अंदर का? नहीं भैया को पहले ही बोला था हम लोगों ने कि वहाँ वो वाला माल मत देना। हाँ वहाँ पे भैया ने बोला था क्या गलत फ्रेश फ्रेश रखा हुआ है अंदर स्टॉक में, उन्होंने ये बात बोला था। उसके बाद ही शिवम जी ने ये सामान जो है वो पास किया था। चलिए ठीक है भिजवा दीजिए, है ना? ऐसा ही था ना? हाँ और क्या, धोखा बहुत बार हो गया ना इसीलिए डर लगता है। दो बार तीन बार भैया बोल के फ्रेश पीस और जो शोरूम में लगाया वो वाले नहीं, दूसरे वाले सर। वो आराम लोटस का है ना, लोटस पर वही बात बोल बेचारे का, कितना बार डिमोशन करोगे। बंद हो गया जरा। आ जाओ, हम उतरवाते हैं। ये हमारा काम है भैया, मीडिया में है। अच्छा ये तो टेबल है ना? हाँ। हल्का है टेबल है। जानते भैया मीडिया में है ये। हाँ टीवी पे आएगा ये मीडिया। अगर बनावे को तो बना लो तू भैया, खड़ा हो जाए। हम लोग का आता है मोबाइल नहीं थे ना, हमने तो छोटी मोबाइल नहीं चल रही उठाइए।
अभी तक का सबसे ज्यादा हेवी सामान है ये लग रहा है। कुसुमा लग रहा है, इधर ले इधर ले, साथ लग रहा है। यहाँ नहीं, यहाँ कहीं असेंबल होगा, ये जहाँ कहीं होगा रखना कोई जगह पड़ेगा ना। भारी है, सबसे ज्यादा भारी तो यही था। तो एक खुशखबरी है, अलमीरा वाले भैया ने बोला जो फिट करने वाले हैं इसको, उन्होंने बोला चाहे आपका कोई भी कंपनी का वार्डरोब हो मैं ऐसे चुटकियों में फिट कर दूंगा, चुटकियों में फिट कर दूंगा। और भैया हमारे व्यूअर हैं, मतलब हमारा वीडियो ये पहले देख चुके हैं, तो और भी अच्छा लग रहा है कि हाँ अब तो उनको नहीं भी आता होगा तो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उनको आता है, वो मास्टर हैं। अब थोड़ा सुकून मिला, काफ़ी टाइम से ला के अलमीरा ऐसे ही रखा हुआ है, अब अलमीरा जो है हमारा फिट हो जाएगा। अरे खोलना शुरू कर दिया तुम्हें, पता मुझे पता है क्या लग रहा है, ये भले नया हो सकता है लेकिन ये वाला जो है ना, ये चेयर वगैरह, ये चेयर वहीं का है, वो पुराना वाला ही। बस भाई क्या डीजे बन गई हो क्या तुम? इसके मुंह पे दे दिया तूने यार। ये टेबल है, ये कुर्सी है, टेबल 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 कुर्सी। भैया को लड्डू खिला दिया। ये कैसे होगा? भैया ने बोला कि ये फोल्डेबल है, ऐसे ना हो जाए कहीं। ये कैसे फोल्ड होगा वो भी तो देखने की बात है। ये नहीं, वो कहीं कहीं तो कुछ तो क्लिप वेप होगा कुछ। ये ना यार, देख देख भैया, ये लगा लगा नीचे लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो सही जा रहा है, सही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है वो। नीचे लो थोड़ा, हाँ अंदर की तरफ लगा, हाँ लगा दो। बस इसका ही कमी था, एक पांडा का ही कमी था, पांडा आ गया। पूरा ब्लैक कपड़ा तुम्हारा खराब कर देगा ये। दिमाग ना खराब कर पांडा, यहाँ नहीं रख, वहाँ रख, वहाँ आम के पेड़ के उधर, वहीं पर हम लोग का प्लान भी है कि वहीं पर हम लोग रखेंगे और हम चारों बैठ के हर रात यहाँ पे डिनर किया करेंगे। खुली हवा में डिनर करने का मजा ही अलग है। जब इतना कर रहे हो ना, हाँ प्लांटेशन के ऊपर थोड़ा सा और वो करो भाई, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। खर्चा करो, खर्चा करो, प्लांटेशन के नाम पे अपने ऊपर सब खर्चा करवा लेगी ये लड़की। तू मुझे 10 दे देना, ऐसे ऐसा फूल लाके लगाऊंगा ना कि मजा आ जाएगा। तू मुझे 500 दोगी ना तो भी लगा दूंगा मैं। ए तुमको मंगल, तुमको लग रहा है ये चेयर वही वाला है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, पक्का दूसरा वाला है। हाँ। लेकिन पता है मुझे क्या लग रहा है? हाँ। कि वहाँ पे ना शोरूम में, पकड़ो ये पकड़ो, आपको याद होगा अगर कल दूसरे चैनल में आपने वीडियो देखा है, शोरूम में चार कुर्सी था ठीक है। हाँ। और तीन पे वो था लगा हुआ रैपर, एक पे नहीं था, और सेम यहाँ पे भी है, तीन पे रैपर लगा हुआ। लेकिन उन्होंने बोला था शिवम, देखो मैं उनके सपोर्ट में तो नहीं बोल रही, लेकिन मैं बोल रही हूँ, पता है क्या उन्होंने बोला था कि हो सके तो कुर्सी हम सेम ही देंगे आपको। अच्छा बोला था? हाँ उन्होंने बोला था कि कुर्सी हम सेम ही देंगे। अब क्या है, क्या अच्छा है यार, एक बात में वजन है, कुर्सी अच्छा है, हेवी है थोड़ा कुर्सी। हाँ ना, तो हमको वही तो चाहिए था, हमारा फंडा भी वही था कि हेवी कुर्सी चाहिए, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा। हमारे कैंपस में हवा बहुत तेज बहता है, बहुत सारे पेड़ के पौधों के कारण। आंधी तूफान आता है तो लगता है कि इंसान उड़ के पड़ोस के घर में चला जाए। आंधी आया, तूफान आया, लगता है शक्तिमान आया, खिड़की खोल के देखा तो टेबल कुर्सी आया। अबे यार साले, आज में जिया कर ठीक है, पुराने में मत जिया कर। टेबल कुर्सी आया ना, टेबल कुर्सी के बारे में बोल। नहीं हुआ लेकिन टेबल कुर्सी से। तुम खुश नहीं हुए शिवम? इसी गाड़ी पे लोड करवा के रिटर्न करवा। मंगल खुश नहीं है, ऐसे अच्छा नहीं लगता यार, घर का एक बंदा खुश नहीं है, रो रहा है बेचारा। मंगल रो मत यार तुम। हाँ यार बस यार, ये नया है या नहीं थोड़ा डाउट हो रहा है। नया है ना ये, तो नया ही लग रहा है। हाँ हाँ चलो, ये नया है भाई, ये नया है, ये नया है। हाँ, क्योंकि कलर हमको याद है उसका, फेड था बहुत, ये ठीक कलर में। नहीं इतना लोड भी कौन लेगा यार, बार-बार खुलवाएगा। नहीं मुझे जब तक ये पैकेट रिसीव नहीं हुआ तब तक मुझे डाउट था कि क्या निकलेगा अंदर, लेकिन अभी देख के थोड़ा संतुष्टि मिल रहा है
क्योंकि भाई यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है हर फील्ड में, थोड़ा कुछ ना कुछ पंगा तो है ही, लेकिन लकीली हम लोग यहाँ पे बच चुके हैं। मैं मम्मी गई हुई थे। हाँ एग्जैक्टली, भैया ने बोला था पहले, अगर जो देखो पुराना दे रहे हो बोल के दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ में यही प्रॉब्लम होता है। नहीं अगर पुराना अगर देंगे भी तो फिर हम लोग नया का भाव नहीं देंगे ना। थोड़ा सा चेयर को लेकर के वो है, तो क्या नहीं चेयर भी अच्छा है, चेयर अच्छा है। हाँ भैया देखिए जो जो सामान इसमें है ना वो वार्डरोब में भी है, मतलब अगर आप इसको कसेंगे तो वार्डरोब तो कस ही देंगे। हाँ अरे भैया बहुत टैलेंटेड है, भैया ने बोला कि हम कोई भी कंपनी का वार्डरोब होगा फिट कर देंगे। हाँ कितने लोड लगेगा भैया, देखने के बाद भैया बताएंगे ना। ये लाइट है ना जो ऑटोमेटिकली चलता है, लाइट ऐसे थोड़ी चलेगा, वो प्लग इन करना पड़ेगा कनेक्शन से। इसका पैसा तो कंपनी मिलेगा ना। तो भैया ने बताया कि अभी जो भैया इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब जो फिक्स कर रहे हैं, जो इसका ड्रेसिंग टेबल है उसका भी चार्ज हमको ही देना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि उसका चार्ज तो शोरूम वाले ही देते हैं। तो अभी मम्मी को बुलाया है चेक करने के लिए कि कैसा लग रहा है टेबल कुर्सी। पीतर से नहीं खे, मतलब अपने बैठ गए। अच्छा मम्मी भगवान को कैसे बुला के बैठा सकते हैं इस पे यार। पीतर पीतर मम्मी हम लोगों ने कल ही खरीद लिया था इसीलिए कि आज ना खरीदना पड़े, क्योंकि आज से वो ऐसा दिन चालू हो रहा है जो कुछ खरीद नहीं सकते हैं। मम्मी हमने कल ही खरीद लिया था इसको, बस आया आज है ये, थोड़ा सा भगवान का नाम ना। हाँ तो मम्मी अभी अभी इसको धोएंगे ना पूरा धो के, और फिर टीका वगैरह लगा देंगे इसमें। मम्मी लोगों का थोड़ा सा सीन होता है भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा, तो कब से मम्मी एक बात को लेकर टेंशन में है कि अलमारी जो है भैया फिट करेंगे या नहीं। बताओ बताओ फिट करेंगे नहीं। सारा सामान के ऊपर तुम लोग अलमारी रख दिए हो, बेचारी निकाल नहीं पाती है, नमक तेल मसाला सब कुछ उसी पे है। मम्मी भैया से बात हो गया है, फिट कर देंगे, फिट हो फिट करके जाएंगे। वो ये वाला करेंगे, ये जो गिन्नी का है नया वाला आया है, इसके बाद में फिर जो उधर शिवम का रखा है वो करेंगे। मेरा नहीं, वो मम्मी का हो चुका है। हाँ अच्छा तुम्हारा है, मम्मी का। तो वो मम्मी के रूम में जाएगा ना वो, अब तो फिर उधर से उठवा के इधर रखवा के फिर पहले बक्सा रहत रहे तो आदमी लेके जात रहे, बक्सा नीचे रख दो स्टेशन पर वही पर बैठ जा, तब अलमारी लेके माथा पर जाई। कौन मर तू अब बुढ़ारी में जाओगी, वो माइके बहुत अच्छा है। बाकी एक बेर चाहे तो ई शौक पूरा कर ले, अलमारी लेके चल लेना, हम तुम्हारे चार बच्चे अलमारी मिलके उठा लेंगे बस। जहाँ बैठना होगा अलमारी रख देंगे, बैठ जाना उसी का। मम्मी के कहने का मतलब ये है कि पुराने जमाने में छोटा सा बक्सा होता था सिर पे सामान रखने के लिए, जैसे आज के टाइम पे हम लोग सूटकेस वगैरह बैग वगैरह यूज करते हैं, कहीं बैठना होता है तो बक्से रख के और बक्से के ऊपर बैठ जाओ। भाई वो जमाना बहुत जल्दी वापस आएगा, क्योंकि फ्लाइट में हम लोग जो बैग लेके जाते हैं ना, अभी भी है वो डिफेंस वाले वही यूज करते हैं। हाँ वो ना उनकी बात नहीं, मैं आम आदमी की बात कर रही हूं। एक काम कर, पहन के थी एकदम रहो सब कोई चली, हम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, हम भाई ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, हम सब कुछ कर लेंगे लेकिन क्योंकि हम लोग ग्रो अप ही वैसे हुए हैं। वो वाले सूट को देखते थे, वो टीने वाला कैसे कोई इस्तेमाल करेगा यार, टीने वाले में चक्का लगवाओ और लेके चलते हैं फ्लाइट में, ऐसी की तैसी हो जाएगी, उन लोग पटकेंगे ना तो आवाज आएगा इतना तेज की पकड़ में, उनका मशीन ही टूट जाएगा, हमारे सूट के लिए कुछ नहीं। नानी ही सही में माने नानी के घर है जिसे पहले आदमी जात रहे। मम्मी वो जमाना गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे वापस। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फ्लाइट में टीना का बक्सा देख के वो जाने नहीं देगा। लेके उसका दादा ले, मैंने देखा है जाते हुए, देखा है ले जाएगा वो तो। तो अगले बार हम लोग जाएंगे, अगर जो मैं कहीं जाऊंगा तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, इन लोगों के साथ जाऊंगा तो पूरा प्रयास करूंगा कि टीने का बक्सा लेके जाऊं मैं। चारों साथ जाएंगे तभी हो सकता है, नहीं तो अकेले में बहुत शर्म आएगा। वही मजा तो तब आएगा, लेके चली जाऊंगी, मुझे कोई शर्म वरम नहीं है भाई। वही मजा तो तब आएगा जब एकदम हाई हील एकदम एकदम बढ़िया सेक्सी सा ड्रेस पहन के कोई लड़की और एकदम टीने का बक्सा लेके जाएगी। तनी छः सात गो रहो सब, बाबा कहत रहन कि एक आध गो छूट ना जाए, रस्सी में बांध दो, बांध के ले जाओ, काहे कि मंद बुद्धि के ही है। एक बार मम्मी ने छोड़ भी दी थी, किसको छोड़ी थी, अनिता दी को मम्मी एक बार कहीं छोड़ दी थी, मेघा को छोड़ दी थी, मेघा मतलब हमारी एक और बहन थी जो कि एक साल होके ही सिदाई, छः महीने होके, डेढ़ साल मम्मी वो इस जो हमारी बहन थी उससे उसके पहले थी वो ना, मुझसे छोटी, दोनों दोनों खत्म हो चुके हैं। अबे हराम खोर कुत्ती साली, चप्पल से मार इसे, मार
सीमान जी कैसे खाने लग काम किया ये। अब बड़ा छोटे का लिहाज नहीं होगा इस जो मैट्रेस में। मार दिया मुझे यार। गाय का मुंह खा दिया इसको सामने। और क्या भाई, बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया तुमने अभी। कुत्ती से ये लेकिन नहीं चिपका दे। दांत खोल, इसका दांत में चिपका देती हूं यार। मेरे मुंह में से क्या निकल गया यार। मम्मी यार मेरा कुंडली दिखवाओ भगवान को। ये मतलब काली जबान है जो बोलते ना ना नहीं है। उम्र बढ़ गया इसका साला। सुबह सुबह हम सोच रहे थे, हमको एक बात याद आ गया कि मेरे जो कपड़ा नेल पॉलिश होता था ना, उसमें से जिज्ञासा लगती थी कि हमको भी चाहिए। मम्मी जाओ जाओ जाओ, बैठो एक बार। जब मेरे से लड़ते जाओ जाओ, मम्मी जाओ चाय। इसको ये चाहिए वो चाहिए, तभी तभी वो आया गिनी दिमाग नहीं है फोन। तब मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार, मतलब अभी मैं सोच रही थी कि जिज्ञासा पहले ऐसी थी, अभी वो भी ऐसी ही है लगभग लगभग। हर चीज़ में से हिस्सा चाहिए 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 चाहिए। इसी फ्लो कारण नाम निकल गया तुम्हारा अभी मेरे मुंह से, क्योंकि एक ही चीज़ हम सोच रहे थे, छोटी बहन के बारे में सोच रहे थे, इसका नाम निकल गया। अरे वाह भैया, काम तो आप फास्ट कर रहे हैं, अच्छा खासा हो गया इतने देर में। अभी इंतजार करना है। लगभग 40% हो गया। 40% नहीं हुआ है यार, अभी हुआ है लेकिन 40% जैसे 40% नहीं है। अभी अच्छा खासा होना बाकी है। 20% हुआ है। हाँ नहीं 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 5% हुआ है। 5% हुआ है। अरे नहीं हुआ है कुछ, ये जो देख रहे हैं सपने में है हम लोग। बस सही बोल गया। तो अभी ये बंदा बात कर रहा है तो भैया बोल रहे हैं कि नहीं 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 हम नहीं देंगे चार्ज, आप ही दो। भैया ने ना ढंग का डिस्काउंट दिया ना कुछ दिया, इनफैक्ट प्रोडक्ट भी कुछ खास सस्ता नहीं दिया, अच्छा खासा महंगा ही दिया है। बल्कि क्योंकि ऑनलाइन देख रहा हूँ मैं, इसका दाम सस्ता है। तो भैया कह रहे नहीं, इनका लगाने का चार्ज भी आपको ही देना पड़ेगा और मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ आपको ही देना पड़ेगा। और तो खैर पैसा मिल गया ना उन लोगों को, तो ऐसा सा सीन है। भैया कल मेरी आपसे जब बात हुई तो आपने बोला कि आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ करा के देंगे, लड़का भेज के सब कुछ करा देंगे। देखिए 400 रुपये कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि इससे डबल मेरा वो था, कबर्ड था, और उसका वो पूरा सब कुछ खुद से कराए थे। पता है हम लोगों को ना, हम लोग फुल पेमेंट करके प्रोडक्ट को लेके आए हैं, और भैया को जब पूरा हाथ में दाम मिल गया तो बदल रहे हैं, सिक्के की तरह पलट रहे हैं। तो यही है पंगा, हर जगह सोचना ही पड़ता है यार, हर जगह। जैसा कि थोड़ी देर पहले तुमने बोला करप्शन है, हाँ यहाँ पे भी है थोड़ा बहुत। और क्या है, क्या बात है, सुनो ना। क्या ऊपर पंगा है? देखो जहाँ आजकल के टाइम पे ना, ये मैं बहुत फैक्ट बात बता रही हूँ, तुम्हारे पास जब लोगों को पता चल जाएगा ना कि पैसे हैं, तो वो ये नहीं देखेंगे कि भाई इससे बना के रखते हैं, वो सोचेंगे कि इसी टाइम जितना पैसा निकाल सकते हैं निकाल लेते हैं। ये अभी मैंने बहुत कुछ देखा, मैं गणेश चतुर्थी से नोटिस कर रही हूँ कि लोग कितना ज्यादा मेरे खुद से, मतलब मैं किसी को 100-200 के बजाय 1000 रुपए का मटेरियल लाके दे रही हूँ, चीज लाके दे रही हूँ, तब भी वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 400 रुपए उनको और दे दूँ। तो ये चीज मैंने अभी तक तो बहुत ज्यादा नोटिस किया है। कल हमने कुछ कल हमने कुछ ज्यादा डिस्काउंट, अरे करवाया भी नहीं, मांगा भी नहीं डिस्काउंट, अपने आप से जो दिया वो ले लिया चल। बस मतलब क्या हुआ था कि जो बिल आ रहा था उसमें कुछ, मतलब एक पार्टिकुलर अमाउंट 1000 में था और 100 रुपए लग रहे थे, 100 रुपए एक्स्ट्रा दिया है उसको, तो कंफ्यूजन के चक्कर में। अच्छा तो भाई मतलब कितना गलत बात है ये जो भी चीज है कि यार, जबकि वो ऑटो वाले भाई साहब आए थे, उनको मैंने 50 रुपए ज्यादा दिया ये सोच के कि चलो ठीक है। मतलब यार हमारा ही हमेशा कट जाता है, फिर लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारे साथ ही सारा प्रॉब्लम होता है। हमारे साथ नहीं होता है, हम बोल देते हैं, होता आपके साथ भी, आप बोलते नहीं हो, समझे? हमारे साथ तो बोलना शुरू करो, नहीं तो आने वाले टाइम में करप्शन इतना हो जाएगा ना कि चीनी का भाव 500 रुपए किलो हो जाएगा। साला तुम्हारा सच में किस्मत घोड़ा के मुंह से लिखा है, गधा के मुंह से। उसमें तो लिखा है। क्या बोला रे? चलो छोड़ साला कुत्ता आदमी। चल चल भाई फिट कर रहे हैं, देखते हैं। पहले तो हम रात भर कंफ्यूजन में थे कि साला हमको चूना लग गया क्या यार। देखो मतलब ज़्यादा ज़्यादा पैसे का मैं गोल्ड खरीद लेती हूँ, लेकिन ये जो था ना, मतलब मेरे को लगा यार कि चूना लग और गया। और बल्कि उसमें ना एक कलर भी फेड है अंदर की तरफ से, मतलब ब्रांड तो है ही नहीं है, ब्रांड के नाम पे बस ऐसे ही है। देखो ब्रांड ये सब होता नहीं है, लोकल ब्रांड का। हाँ ये मैन्युफैक्चर जो है ना, ये लोकल बेस पे किया जाता है इनका। अच्छा अच्छा, इसका भाव सारा लोकल जितना क्यों नहीं है, ब्रांड ही है ना भाई लोकल जितना। ये तुम 100 रुपए वाला टी शर्ट पहनो, ठीक है, और इसके ऊपर शिवम पांडे का वो लगा दो टैग, बन गया वो 1000 रुपए का टी शर्ट।
कौन बोला रे 50 रुपए का हो जाएगा इसका टाइम लग के 100 रुपए का नहीं है ये नहीं है ना एक बात कह रहा हूँ मैं अच्छा एच नेम है इसका सरोजनी वाला तो मेरे को लाके देती गिन्नी यार ए टकला पहनता है वो चल दिमाग मत खराब कर हमको चली थी बेवकूफ बनाने ले आई थी सबके लिए कपड़ा पता नहीं कहाँ से खरीद को उसमें से दो शर्ट मेरे लिए भी लाई बोल के H&M से ले आया इतने खुद उठाया था ये खुद उठाया था इसने दिया नहीं था कभी ऐसा नहीं किया मैंने यार कभी नहीं किया देखो ना रियल वाले बेइज्जती कर रहे हैं तो कैसे कह रही है कभी ऐसा नहीं किया है इसने खुद चूज किया था इसने दिया नहीं था मैं इसके सपोर्ट में यहाँ देखो टूटा है अरे उतना बहुत लगता है भाई हम फटा हुआ ऐसे नोट दे देंगे बोल देंगे इतना हो जाता है तो थोड़ी ना कोई लेगा है ना ज्यादा बहुत ज्यादा टूटा है देखो कायदे से बोलूं तुमको चूना लग गया है भाई कोई बात नहीं कुछ चिपका देंगे वो थोड़ा बहुत लग गया सच में लग गया सच में लगा है लग गया लग गया लग गया हटी 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 होगा देखो आगे से देखो नहीं आगे से तो ठीक लग रहा है क्यों मार देंगे यही इसी का टेबल उठा के मार देंगे हम तुमको नहीं 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 चलो 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 हटो जाने दो मुझे कोई अच्छा इसमें आईना है आईना लगे तब तो सही दिखेगा लुक इसका उभर के आएगा तभी आईना लगने के बाद जो है ना ये चूना लगा है ये चूना खत्म हो जाएगा हाँ। जाएगा चूना भाई इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त हमने जो भी बोला उसको आप दिल पे मत लीजिए उसको अपने पे मत लीजिए और ना ही आप ये कमेंट करो कि सब प्रॉब्लम आपके साथ ही होता है क्योंकि आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा हो गया कुछ कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट कर देते हैं और सबका मूड ख़राब कर देते हैं तो मूड ख़राब करने वालों सुधर जाओ नहीं तो फिर आपका मूड हम ख़राब कर देंगे ठीक है फिलहाल चलते हैं आपसे मिलते हैं दोबारा हाँ आ रहा हूँ एक नए वीडियो के साथ शाम में आज दोबारा मिलेंगे ठीक है और कल लाइव के लिए कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था लाइव कर नहीं पाए क्योंकि मार्केट से बहुत ज़्यादा लेट आए थे ठीक है तो अभी चलते हैं आपसे मिलते हैं दोबारा शाम में होपफुली एक नए वीडियो के साथ ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय